गुड इवनिंग एवरीवन, आज संडे है बट आज मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ। इंस्टेड मैं आज एक वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ स्पेशली फॉर दी बाइकर कम्युनिटी, और कोशिश यही करूँगा कि छोटा रखूँ और सिंपल रखूँ। बहुत सारे एक्सपल्स ओनर्स है जैसे कि मैं, या फिर जो एक्सपल्स शायद ख़रीदना चाह रहे होंगे या सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में हमेशा से ही एक सवाल रहता है कि इज़ दिस बाइक केपेबल इनफ फॉर गोइंग ऑफ रोड या थोड़ा बहुत हाईवे क्रूजिंग वगैरह इन सब के लिए, या फिर मुझे बिगर सीसी वाली मोटरसाइकिल को ख़रीदना चाहिए तभी मैं ऑफ रोड कर पाऊँगा, और एल्स इट्स नॉट पॉसिबल। अगर मैं ऑफ रोडिंग करना चाह रहा हूँ या फिर लॉन्ग जर्नीस करना चाहता हूँ तो शायद तभी पॉसिबल हो पाएगा। सिंस यह टॉपिक इज़ अबाउट एडवेंचर बाइक्स, तो मैं इसी टॉपिक पे ही स्टिक करूँगा। सो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। सो लोगों में ना एक बिग बाइक वाली मेंटालिटी है, तो आपने हमेशा ही देखा होगा कि नॉन स्लैश बाइकर यूट्यूबर्स वगैरह हैं वो हमेशा से ही BMW GS, अफ्रीका ट्विन, अफ्रीका ट्विन और ये सारी बिग बाइक्स की ही बात करते रहते हैं एवरी टाइम व्हेन एवर दे टॉक अबाउट ऑफ रोडिंग। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये उन बाइकों की खामियों को कभी हाईलाइट ही नहीं करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में, उनकी खामियों के बारे में वो कभी खुले में बात करते ही नहीं, और जो एक्सपल्स जैसी बाइक्स है उनको ड्यू क्रेडिट मिलता ही नहीं कभी भी, विच इज़ रियली सैड। बट गुड थिंग रिसेंटली एक यूट्यूबर है, उनका नाम है बुल्लू पटनायक, उन्होंने इस बात को खुले में एड्रेस करा हुआ है। सो उन्होंने यही बताया है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि आफ्टर ओनिंग सो मेनी बाइक्स, बहुत सारे बाइक्स उन्होंने चलाए, मतलब बिगर सीसी वाली बाइक्स, इतनी बड़ी बड़ी बाइक चलाने के बाद उन्होंने एक बात सीखी जो उन्होंने शेयर करा है कि इन सब बड़ी बाइकों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है इनका वेट। जहाँ पे टारमैक नहीं है, जहाँ पे हाईवेज नहीं है और आप हाईवे क्रूजिंग नहीं कर रहे हो, तो इनको अगर ये बाइक गिरती है, विच इज़ रियलिस्टिकली पॉसिबल, यस इन्होंने यही बताया वीडियो में, तो बार बार उठाना, बार बार इसको टर्न करना, इट टर्न्स आउट टू बी अ नाइटमेयर, और ये बोन क्रशिंग रहता है उनके लिए। ये चला रहे थे होंडा अफ्रीका ट्विन, तो ये चले गए KTM एडवेंचर 390 में, एंड ही इज़ रियली हैप्पी अबाउट इट। इन्होंने वीडियो भी बनाए हैं कुछ, तो आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डालूंगा वीडियो में। एंड डू नॉट गेट मी रॉन्ग कि ये बड़ी बाइक्स जो है, यू नो, BMW GS, अफ्रीका ट्विन वगैरह, ये बाइकें ख़राब हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइकें ख़राब हैं, दीज बाइक्स आर फैंटास्टिक पीस ऑफ मशीनरी, जस्ट लाइक एक्सपल्स 200 जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएगी। बट डज दैट मीन कि एक्सपल्स 200 ये सब चीज़ें नहीं कर सकती जो एडवेंचर बाइक को करना चाहिए? यस, सारी चीज़ें ये कर सकता है एक्सपल्स 200 और इसके जैसे सिमिलर एडवेंचर बाइक, जैसे KTM 390 हो गया, दे एब्सोल्युटली कैन डू एवरीथिंग दैट एन एडवेंचर बाइक कैन डू। बट डज दैट मीन कि ये बाइक्स परफेक्ट है? नो, कोई भी बाइक, ऐसा कोई भी बाइक नहीं जो कि परफेक्ट हो, ठीक है, दैट्स वेरी क्लियर। अब यहीं पे बात आती है एक्सपल्स 200 की। एक्सपल्स 200 वो एडवेंचर बाइक है जो बहुत ही यूनिक स्पॉट में है, इन द सेंस कि ये सस्ती है, इजी टू मेंटेन, इजी टू मैनूवर, इट्स लाइट, इट्स सिंपल, इट्स निम्बल, और आपको थका नहीं देगी ये बाइक बाकी बाइकों की तरह। अगर आप ऑफ रोड जाते हो, इट विल ईजिली पुल यू आउट ऑफ मड, सैंड, ग्रेवल, कोई सी भी ऑफ रोड ट्रेन से आपको आराम से निकाल देगी, अनलेस आप इस बाइक को भर भर के, सामान भर भर के इसको लाद दोगे, तो इसको ना इसके ऊपर डाल दोगे, तो फिर उसका पर्पस डिफीट हो जाता है, ठीक है, देन दैट बाइक इज़ नॉट फॉर यू, और यू विल हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी कम्प्लीटली। अब बेसिकली आपको ये करना है कि इसका जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, इस पॉजिटिव पॉइंट्स पे आपको टैप इन करना है, और ये नहीं कि इसके ऊपर अननेसेसरी पूरा वेट डाल दो, आप बहुत सारे बैगेज डाल दो, पैनियर्स डाल दो इसके ऊपर, और बड़े बड़े हैवी क्रैश गार्ड्स डाल दो,
अननेसेसरी थिंग है, दैट्स नॉट नीडेड, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, आपको नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। तो आपको करना क्या है कि आपको इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है उसी को ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन ट्रैवल विद मिनिमलिस्टिक गियर्स, ओनली थिंग्स विच आर नेसेसरी एंड विच विल एड ऑन टू द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ दीज बाइक्स, एंड उसके हिसाब से आपको ट्रैवल करना है। ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कुछ सब कुछ त्याग दो, सब कुछ निकाल दो बाइक में से, नहीं। मेक श्योर दैट यू कैरी नेसेसरी टूल किट, मेक श्योर कि आपके पास नेसेसरी पेयर ऑफ क्लोथिंग्स है, अननेसेसरी 10-15 पेयर ऑफ जीन्स, 5-10 जैकेट्स, ये सब लेने की ज़रूरत है ही नहीं। देन दिस विल डेफिनेटली डिफीट द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ दिस बाइक। सो जाते जाते जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई लीव यू विद सम ऑफ द फुटेजेस दैट आई टुक, जो मैंने लिए है जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था थोड़ा सा ऑफ रोड रिवर क्रॉसिंग में। तो जस्ट वॉच द वीडियो एंड एन्जॉय, और आशा करता हूँ कि जो बाइकर कम्युनिटी है उनको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलेगा इस वीडियो से, एंड विल हैव लिटिल बिट ऑफ पीस ऑफ माइंड। और एन्जॉय योर जर्नी, एन्जॉय द डेस्टिनेशन, एंड डोंट वरी अबाउट मच टू अबाउट द गियर्स, एंड सो टेक केयर टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू वेरी सून, बाय बाय। निकल गया हो गया, दिख गया थोड़ा थोड़ा, मैं थोड़ा सा ही आवाज क्या क्लियर है भाई इसका। इधर से दबा दबा, फटाफट निकल।